हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के हमने फैक्टर थ्योरम्स और उसके बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व की। अब हम लोग फैक्टराइजेशन के अंदर आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हो, थोड़ी जो न्यू है वो आप सीख लोगे, राइट। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है ओके फैक्टराइजेशन यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, क्लियर। तो देखते चलो आइडेंटिटीज के ऊपर से। सबसे पहले x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप सब जानते हैं, बट इसको अलग तरीके से याद रखना है। तो इसको फर्स्ट टर्म बोल दो x को, और जो y है उसको आप लास्ट टर्म बोल दो, क्लियर। ओके दो टर्म्स है इसीलिए, तो हम ब्रैकेट से याद रखेंगे। यहाँ पे आप जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर, गॉट इट। ठीक वैसे x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बट ब्रैकेट से रखोगे तो साइन की मिस्टेक्स नहीं आएगी। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर। ओके नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वेन द फर्स्ट टर्म्स आर सेम, ओके एंड द टू अदर्स आर द कॉन्स्टेंट, दे आर द डिफरेंट टर्म्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ वन जो अब पढ़ोगे नाइन्थ के अंदर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। सो हियर द फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ओके सेकंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर, राइट। ऐसे याद रखोगे प्लस टू इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म प्लस टू इंटू सेकंड थर्ड टर्म प्लस टू इंटू थर्ड फर्स्ट टर्म, क्लियर। यहाँ पर भी साइन की मिस्टेक्स ब्रैकेट से करोगे तो नहीं आएगी। सिक्स आइडेंटिटीज, एक्स प्लस वाई क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसका और सिंप्लीफिकेशन है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब, अंडरस्टैंड। ओके एक्स माइनस वाई क्यूब अगेन द एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ओके माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो इसका और सिंप्लीफिकेशन है एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब, अंडरस्टैंड। ओके एट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट मीन एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट मीन एक्स माइनस वाई। याद रखना यहाँ पे प्लस है तो बिटवीन माइनस वाई आया है, ओके माइनस टर्म्स है सॉरी, एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आया। ये थोड़ा चीज है वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो इस आइडेंटिटी बेस, तो इस आइडेंटिटी को आप कॉपी कर लो, ओके और याद भी रखना है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ओके ओके। Now, first sum x plus 4 and x plus 10. So here x plus 4, x plus 10. Okay. So कौन सा आइडेंटिटी आप यूज करोगे, राइट। तो फर्स्ट टर्म सेम है एंड a and here they are the different, they are constant terms. So this one for a, this one b, right? So first term square, that means x square जो सेम है उसका प्लस a plus b, so 4 plus 10 into x plus 4 into 10, got it? So x square plus 14x plus 4040, understand? Clear? समझ में आया? Okay, so हमने सिंपल कौन सी आइडेंटिटी यूज की, x plus a और x plus b is equal to x square plus bracket a plus b into x plus a b, understand? Okay, now question number 2, x plus 8, x minus 10, clear? Again, first term same, understood? And a or b, तो हम लोग इसको a कह देंगे and this one is b, right? So our identity is x first term square, मतलब plus a minus, मतलब b है यहाँ पे, into x plus 8 into bracket minus 10. So x square 10 minus 8, 2, a greater number sign, so minus 2 into x 2x
एंड माइनस 80, 10 इज आर 80 प्लस माइनस माइनस, अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 3x + 4 here 3x - 5, अगेन फर्स्ट टर्म सेम दिख रही है आपको, राइट? सो दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, अंडरस्टूड? सो 3x² ओके प्लस इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू फर्स्ट टर्म जो भी आपका है, सो 3x प्लस हियर द 4 इंटू ब्रैकेट माइनस 5, सो देयरफॉर 3x² सो 9x² ओके 4 माइनस 5 सो माइनस 1 एंड इंटू माइनस 1 इंटू 3 सो माइनस 3x, 4 5 20 सो माइनस 20, क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द क्वेश्चन 4, y² + 3/2 एंड y² - 3/2, अंडरस्टूड? सो नाउ हियर फर्स्ट टर्म सेम, ऑल्सो द सेकेंड टर्म सेम, बट चेंज इन ओनली साइन, सो अवर ए प्लस बी ए माइनस बी, डेट मीन्स a² - b², तो आप ए आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर है, उसका बी स्क्वायर इंटू 3/2 देन स्क्वायर, क्लियर? सो y² ऑफ स्क्वायर डेट मीन y^4 माइनस 3² = 9, 2² डेट मीन्स 4, सो 9/4, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3 - 2x 3 + 2x, ओके सो चेक करो, फर्स्ट टर्म सेम, ऑल्सो द सेकेंड टर्म सेम, चेंज इन ओनली साइन, सो आप फॉर्मेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर आपको दिख रहा है तो 3 और यहाँ पे 2x, सो a² - b² डेट मीन्स 9, 2 डेट मीन्स 4, 2² 4 एंड x² डेट मीन्स x², सो 9 - 4x² इज अवर आंसर, अंडरस्टैंड? द फर्स्ट क्वेश्चन यूज द आइडेंटिटी, प्रॉपर आइडेंटिटी, क्लियर? चलो अब क्वेश्चन 2 पे जाते हैं, इवेल्यूएट करना है हमें वैल्यूज, ओके, यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटीज, सो वी हैव द 103 × 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग, ओके, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, दैट मीन्स डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे ध्यान से, 100 + 3 यानी 103 हो गया, 100 + 7, क्लियर? सो आप कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करोगे, आपके लिए ए बन गया, राइट? दिस वन इज बी, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई, x + a x + b = x², राइट? प्लस ए प्लस बी इंटू x + ab, राइट? ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, यहाँ पे ए मतलब आपके लिए कौन है, एक्स मीन्स 100, सो 100² प्लस ए मैच मीन 3, बी मीन 7, ओके, इंटू एक्स मीन्स 10, ओके, प्लस ए 3 एंड बी मीन्स 7, सो यहाँ पे क्या हो गया, 100² 10,000 + 7 + 3 10 × 10 121, सो 21101, सो 10,121 इज अवर आंसर, क्लियर? समझ में आ गया आइडेंटिटी के साथ? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव सो 95 × 96 मीन्स 100 - 5 95 होता है, ओके, इंटू 100 - 4 इज ऑल्सो द 96, राइट? यहाँ पर भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेम होगा, अब आप कह सकते हो सर ए और ए बी है, राइट? सो अगेन वी अप्लाई द दिस आइडेंटिटी, ए प्लस एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² + a + b × x + ab, ओके, सो पुट हियर, ए आपका हमारा एक्स कौन है यहाँ पे, दसम, ओके, यहाँ पे 100 आएगा, राइट? सो दैट मीन्स 1000, सो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 11021, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये चेंज अप यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, x² + -5 - 4 100 + -5 - 4, राइट? नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000, 5 और 4, 9 होता है बट बोथ आर नेगेटिव, सो नेगेटिव, 9 × 100 900, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 20,
तो पहले तो सीधी बात है, 10,000 में से 900 निकाल दो तो कितना होता है 9100 प्लस 20, दैट मीन्स द 9120 इज अवर आंसर यूजिंग द आइडेंटिटी. क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी का. सो क्वेश्चन नंबर 3, 104 इंटू 96. 104 मीन्स 100 प्लस 4 लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे 100 माइनस 4 दिस इज 96, राइट? तो यहाँ पे सेम, फर्स्ट टर्म सेम, ऑल्सो द सेकेंड टर्म सेम. आइडेंटिटी x प्लस a, x माइनस b इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म आपका कौन है 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मीन्स आप लिख सकते हो 100 मतलब 10,000, 100 का स्क्वायर एंड माइनस 16, राइट? सो डबल 9, ओके, तो अल्टीमेटली क्या जाएगा 84. क्लियर? सो दिस इज द अवर आंसर. क्लियर? समझ में आ गया? सो वी यूज द डिफरेंट आइडेंटिटीज, ओके, फॉर द इवेल्यूएट द गिवन वैल्यूज. अंडरस्टैंड? क्लियर? वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. देखो एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो इसको आप एक्सपांड कहते हो. क्या कहते हो? इज अ एक्सपांड. लेकिन यहां से इस तरफ जाएगा, राइट? रिवर्स. सो इट्स कॉल्ड द नॉर्मली द फैक्टराइजेशन. अंडरस्टैंड? क्लियर? तो आप आइडेंटिटी याद रखोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS से आपको पता चल जाएगा. अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट? तो फर्स्ट वन 9x² ओके प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ओके. हम यहां पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज परफेक्ट स्क्वायर, ओके, और बोथ आर पॉजिटिव, तो ए परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में है. तो आप इसको यहां पे बनाओगे स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर. अंडरस्टैंड? ओके, सो 9x² मतलब 3x, उसका स्क्वायर रूट 3x. वाई स्क्वायर का क्या लिखोगे? वाई, फर्स्ट वी हैव द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दैट मीन्स वाई, 2 3 6 into xy, so 6xy, right? We got it. So first terms take here 3x, last term then is our second term, yahan se sign lo, plus and whole square. Understand? So this is the factorize. Ab agar aap iska simplify expand form karo to expand form yahi aayega. So this one is a factorization, okay, and this one is expansion. Understand? Okay, so I think clear the confusion. Now 4y square minus 4y plus 1. First and last term perfect square and positive. Okay. So here first term square minus 2 into first term plus last term square. Understand? 4y square ka square root matlab 2y. 2 ka square 4 hota hai, y ka y square. 1 ka to 1 hi rahega. So put here 2y and also 1. So here the first term, here the last term, yahan se sign and take the square. Understand? This is the factorization. Ab yahan se yahan jaoge, it is called the expansion. Understand? Clear? Okay. Then after third, so the x square minus y square upon 100. It's very simple because only two terms and both are perfect square, between sign is negative. So always apply the property x square minus y square, that means x plus y and x minus y. So here the x square minus y 100, that means the 10 square, okay. So a square minus b square, so x plus y by 10 and x minus y by 10. Understood? A plus b and a minus b. It's very simple, clear, but you keep the more practicing in factorizations. Clear? We start the question 4. Expand each of the following and using the suitable identities. Right? Bahut important hai kyunki aap ek first time pad rahe ho. Right? So expand karna hai. Expand, that means aap split karoge. So question number 4
एंड क्वेश्चन वन, यहाँ पे नॉर्मली आप आइडेंटिटी यूज करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट, थ्री टर्म्स है. सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस टू इंटू सेकंड थर्ड प्लस टू इंटू ओके थर्ड एंड फर्स्ट. क्लियर? सो नाउ फर्स्ट सम इज एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर. ओके चलो यहां पे ए प्लस बी हमारे लिए हम ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे. फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म प्लस टू इंटू सेकंड थर्ड टर्म प्लस टू इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म, राइट. ओके सिंपल एक्स पुट करते जाओ टू वाई फोर जेड फर्स्ट एंड सेकंड तो एक्स एंड टू वाई हियर टू वाई एंड फोर जेड ओके फोर जेड एंड एक्स. क्लियर? नाउ सिंप्लीफाइड एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर दैट मीन्स फोर वाई स्क्वायर फोर जेड होल स्क्वायर दैट मीन्स सिक्सटीन जेड स्क्वायर टू टू आर फोर फोर एक्स वाई प्लस टू टू आर फोर 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 आर सिक्सटीन वाई जेड प्लस फोर टू आर एट एक्स जेड या जेड एक्स. दिस इज द आवर आंसर. ओके वी यूज द सिंपल आइडेंटिटी. अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर टू. 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर. ओके ब्रैकेट का बेनिफिट ही आपको यही रहेगा. ओके ब्रैकेट बनाने से चलो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म प्लस टू इंटू सेकंड थर्ड टर्म एंड प्लस टू इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म. बहुत आराम से वैल्यू पुट करो. हियर 2x विद साइन माइनस वाई हियर जेड सो माइनस फर्स्ट टू इंटू फर्स्ट सेकंड सो टू एक्स माइनस वाई एंड जेड. ओके थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म सो जेड एंड टू एक्स. क्लियर? कोई मिस्टेक्स नहीं होगी. सो टू एक्स होल स्क्वायर दैट मीन्स फोर एक्स स्क्वायर माइनस एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू टू आर फोर प्लस माइनस 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 फोर एक्स वाई प्लस माइनस 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 टू वाई जेड टू टू आर फोर प्लस फोर जेड एक्स. अंडरस्टूड? दिस इज द वेरी सिंपल सिंप्लीफिकेशन. अंडरस्टूड? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. सो थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी होल स्क्वायर. ओके नो प्रॉब्लम्स. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म प्लस टू इंटू सेकंड थर्ड टर्म प्लस टू इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म्स, राइट. पुट करते जाओ. हियर द थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी ओके टू इंटू फर्स्ट सेकंड सो थ्री ए सेकंड टर्म दैट मीन्स माइनस सेवन बी, राइट. माइनस सेवन बी एंड माइनस सी एंड थ्री ए. क्लियर? नाउ सिंप्लीफाइड थ्री ए सो नाइन ए स्क्वायर प्लस फोर्टीन नाइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू थ्री जा सिक्स एंड सिक्स सेवन जा फोर्टी टू प्लस माइनस माइनस फोर्टी टू ए बी. हियर माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 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 सो फोर्टीन सो प्लस फोर्टीन बी सी प्लस माइनस माइनस टू थ्री जार सिक्स तो सिक्स सी ए. क्लियर? तो यानी आप ब्रैकेट से अगर आप शांति से वैल्यू पुट करोगे तो कभी भी प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं आएगी. अंडरस्टूड? ओके क्वेश्चन फोर्थ. फोर्थ का फोर्थ ओके वन बाय फोर ए माइनस वन बाय टू बी एंड प्लस वन होल स्क्वायर, राइट. सो वी हैव एन प्रॉब्लम. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म ओके प्लस टू इंटू सेकंड थर्ड टर्म प्लस टू इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म. ओके सो ए बाय फोर. अंडरस्टूड?
माइनस वन बाय टू या बी बाय टू, हियर वन, ओके, सो वन बाय फोर है या ए बाय फोर, द सेम थिंग्स, सो ए बाय फोर, ओके, एंड माइनस बी बाय टू, माइनस बी बाय टू एंड वन, वन एंड ए बाय फोर, हियर, चलो, सो यहां पे ए स्क्वायर बाय सिक्सटीन प्लस बी स्क्वायर बाय फोर एंड प्लस वन. Now, 2, 2, cut. Plus, minus, minus. So, minus AB by 4 remaining. Okay, plus, minus, minus 2, 2, cut. So, only B. Here, plus. So, plus A, 2, cut. So, A by 2. This is the our answer. Understood? Okay. So, now, question number 5. Dekho, kya pucha gaya hai? Factorize. तो मैंने पहले ही बताया कि आप यहां से इस तरफ जा रहे हो तो वो एक्सपांड फॉर्म है. आप इस फॉर्म में से इस फॉर्म में आओगे, इट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? सिक्स टर्म्स. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? तो क्या 4x स्क्वायर ओके प्लस 9y स्क्वायर ओके प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, क्लियर? ओके, चलो यहां पे कैसे पता चलेगा? तो सिक्स टर्म तो पता चल गया, लेकिन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं. अंडरस्टूड? ओके, तो हम लोग बनाएंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड थर्ड टर्म एंड प्लस 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म. ओके, सो 2x हियर, सो 3y एंड 4z. ओके, कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी साइन? ओके, तो आप यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लो कि यहां पे ऐसी कौन से टू टर्म्स है या वेरिएबल है जो टू टाइम्स नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है. तो आप ये देखो, यहाँ पे 24yz एंड माइनस 16xz, तो यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है कि z टू टाइम्स है, तो आपको उस टर्म्स को नेगेटिव लेना है. क्लियर? अब कैसे और पता चलेगा? अब देखो, सो फर्स्ट 2x एंड 3y, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 3y एंड माइनस 4z, क्लियर? एंड देन माइनस 4z एंड 2x. सो चेक कर लो एक बार, 4, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ऑल पॉजिटिव, सो 12xy, ओके, 12xy आ गया, 2 3 जार 6 एंड 6 2 जार 24 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 24yz, माइनस 24yz, 4 2 जार 8, 2 जार 16, माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 16yz, ये भी आ गया. अंडरस्टूड? ओके, तो बस बहुत आसान हो गया हमारा काम. ए फर्स्ट टर्म ओके प्लस सेकंड टर्म और ए माइनस 4z होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? इज वेरी सिंपल, गॉट इट? तो ब्रैकेट से करोगे और ये आइडेंटिटी पकड़ के रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अंडरस्टैंड? ओके, चलो ऐसा ही सेकंड देखते हैं. हियर द 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz माइनस 8xz. ओके, तो यहां पे हम लोग पहले माइनस साइन को डिफाइन कर लेंगे. तो एक यहां पे माइनस साइन है और एक यहां पे. इन दोनों में अगर कोई वेरिएबल कॉमन दिख रहा है तो हमें कौन है? x. यानी यहाँ पे x वाली जो टर्म्स है वो नेगेटिव होगी. अंडरस्टूड? सो चलो, यहाँ पे 2 तो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 2x होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, दैट मींस y प्लस 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो 8 मतलब 2 अंडर रूट 2 z होल स्क्वायर. हमने क्या डिसाइड किया कि x नेगेटिव, तो आप यहाँ पे x को नेगेटिव, x वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी. ओके, प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म. ओके, तो यहां पे माइनस अंडर रूट 2x इंटू y. क्लियर? हियर द y एंड
टू अंडर रूट टू जेड, अगेन टू अंडर रूट टू जेड एंड माइनस अंडर रूट टू एक्स। ओके, चेक भी करना पड़ेगा, टू टू जार फोर, रूट टू इंटू रूट टू टू, फोर टू जार एट, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस एट वाई एक्स जेड, माइनस एट एक्स जेड आ गया, टू टू फोर, फोर अंडर रूट टू वाई जेड, फोर अंडर रूट टू वाई जेड, वो भी पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, माइनस टू रूट टू एक्स वाई, क्लियर। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट टू जेड टेकिंग होल स्क्वायर, क्लियर। तो आज आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम्स ना आए। ओके बाय स्टूडेंट्स। ओके, नॉर्मली चैनल को देखो आप और वीडियो से आप पढ़ते रहो और मेरी चैनल को लाइक करते रहो, क्लियर। बाय।